एक नए शोध से पता चला है कि चंद्रमा की सतह का एक हिस्सा विशेषज्ञों के अब तक के अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना है। इसका मतलब है कि मैन इन द मून में कई क्रेटर उस भूआकृति से करोड़ों वर्ष पहले के हैं। चंद्रमा खुद 4.5 अरब साल से अधिक पुराना है। इसका निर्माण तब हुआ था जब एक विशाल एस्टेरॉयड या खगोलीय पिंड युवा पृथ्वी से टकराया था, जिससे चट्टान और धूल के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में बिखर गए थे। हालांकि चंद्रमा की सतह की आयु निर्धारित करना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि अलग अलग विधियों में अलग अलग नतीजे सामने आते हैं। एक विधि चंद्रमा पर गड्ढों की गणना करना है, जिसमें सिर्फ चंद्रमा की सतह पर टक्करों की संख्या का मिलान करना और यह अनुमान लगाना शामिल है कि उन सभी निशानों को जमा होने में कितना समय लगा। चंद्रमा पर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो पृथ्वी पर गड्ढों को मिटा देती है, इसलिए अरबों साल बाद भी चंद्रमा की सतह अपरिवर्तित रहती है। लेकिन क्रेटर की गिनती हर बार उन डेटिंग नतीजों से मेल नहीं खाती है जो वैज्ञानिकों को चंद्रमा की चट्टानों के सीधे अध्ययन से मिलते हैं। अब वैज्ञानिक ने बड़ी मुश्किल से दोनों नतीजों का मिलान किया है या दोनों तरीकों के बीच की गड़बड़ियों को ठीक कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के सेंटर फॉर प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी के भूविज्ञानी और अध्ययन शोधकर्ता स्टेफनी वर्नर ने एक बयान में कहा, हमने यह दिखाने के लिए ऐसा किया है कि चंद्रमा की परत का एक बड़ा हिस्सा अनुमान से लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। शोधकर्ताओं ने अपोलो, लूना और चांग ई मिशन की मदद से चंद्रमा की सतह से लाए गए नमूनों की जांच की और फिर उन स्थानों के आसपास के गड्ढों की गिनती की जहां ये चट्टानें मूल रूप से पाई गई थी, ताकि उम्र का सही संबंध पता चल सके। मारे इब्रियम नामक एक क्षेत्र अपेक्षा से अधिक पुराना पाया गया। यह क्रेटर मैन इन द मून आकृति की दाहिनी आंख बनाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह गड्ढा 3.9 अरब साल के बजाय 4.1 अरब साल पुराना है।